और इसमें देखा जाए तो कोई पिगमेंट नहीं होता, नो पिगमेंट। ये पिगमेंट नहीं होगा तो कैसा होगा, इसलिए क्या होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, क्या साइज क्या होता है, क्या अलग साइज अलग रेट होता है वगैरह? हाँ, अलग अलग होता है, रेंज हम लिख दिए। नंबर कितना नंबर होना चाहिए, काउंट, जैसे उसमें नंबर याद किए थे। इसमें आपका 6,000 टू 10,000 पर mm क्यूब, इसे हम लोग TLC बोलते हैं, चेक कराते हैं ना, एवरेज ब्लड चेक कराते हैं, TLC DLC सब चेक कराते हैं ना हम लोग। इसी को हम लोग TL से कह सकते, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। साइट में हम लोग बोलते हैं कि नहीं, RBC, और देखा जाए WBC, अगर रेशो कितना होता है, ये 6 और 1, 600:1। बहुत कम नहीं है WBC। हाँ, ऐसे ही रहता है, ऐसा ही है पूछा जाता है। एंड शेप राउंड और इरेगुलर, एंड कह सकते हैं न्यूक्लिएटेड भी होगा। न्यूक्लिएटेड होगा, और कह सकते हैं ये अगर शेप वेरी भी करता है ऑफ न्यूक्लियस, ये डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ WBC, जैसे इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली मॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। नहीं, न्यूक्लियर ल्यूको इसे हम लोग PEM या NL भी बोलते हैं, PNN भी बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं। शॉर्ट में लाइफ स्पेन कितना होता है, बताया था ऊपर, लाइफ स्पेन LF6 डे कह सकते हैं, 1 वीक, 3 to 6 डे। साइट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कहाँ से होगा, प्रोडक्शन होता है से रेड बोन मैरो में, ये भी रेड बोन मैरो ही तो बनाते हैं। लिम्फ हो गया, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, ठीक है, ये साइड। एंड कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ल्यूको पी यू
पियोसिस बोलेंगे, नहीं ल्यूकोपियोसिस, जैसे वहां पे एरिथ्रोपोइसिस था ऐसे ल्यूकोपियोसिस। और इंक्रीज इन टोटल टीएलसी तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजेस इन टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ल्यूको हाइपर इम्यूनिटी। साइटोसिस बोल सकते हैं ना। और साइटोसिस मतलब डिक्रीज एक्सेस होता है ना, एक्सेस ऑफ सेल। और डिक्रीज डिक्रीजेस इन टीएलसी इसको ल्यूको ल्यूको पेनिया बोलते हैं। नहीं, और WBC सो स्पेशल करेक्टरिस्टिक क्या होता है मतलब वो इम्यूनिटी WBC? में हेल्प करते हैं, मतलब उससे मतलब WBC पैथोजन से लड़ाई करते हैं, मतलब उनको मारते हैं। स्पेशल करेक्टरिस्टिक इसे हम लोग एक टर्म है यहाँ, डाइपीडेसिस। डाइपीडेसिस मतलब क्या होता है ये? तो चेंज करना अपने शेप को। हाँ WBC कैन स्क्वीज आउट आप कैपलरी, बाहर चला जाता है कैपलरी से, उसे डाइपेडेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें WBC टाइप ऊपर मैंने बताया था परसेंटेज के टाइप से, WBC कितने टाइप का हो जाता है, टू टाइप से ना? ग्रेन्युलेटेड। एक क्या होगा, ग्रेनुलेटेड होगा, एक एग्रेनुलेटेड होगा। ग्रेनुलेटेड कौन होगा? ग्रेन्युलेटेड मतलब वाले याद नहीं है, दूसरे वाले याद है, तो इसमें दो थे ग्रेन्युलेटेड 5 थे सबने, में, दो थे ग्रेनुलेटेड में 3 और दूसरा ए ग्रेनुलेटेड ऊपर मैंने बताया था। फिर एक तो वो थे इसोफाइट्स और बेसिडोफाइट्स और न्यूट्रोफाइट्स, दूसरे वाले में थे न्यूट्रोफाइट्स नहीं, लिम्फोसाइट याद नहीं है वो। देखिए इसमें 3 है, जैसे हम लोग पढ़े न्यूट्रोफिल पढ़ रहे हैं, ठीक है, दूसरा न्यूट्रोफिल, बेसिडोफिल, इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल और ये दोनों होता है एक तरह से बाय बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक स्ट्रेंथ, इसीलिए बोला जाता है इसे न्यूट्रल। ये तो न्यूट्रल होता है ना, स्ट्रेंथ। तो आपने दोनों लिख दिए एसिडिक और बेसिक, न्यूट्रल नहीं कहेंगे इनको। अच्छा तभी तो न्यूट्रल होगा, दोनों इक्वल रहेगा, दोनों स्ट्रेंथ देगा, समझ रहे हैं? अब बेस ऑफ फिल में क्या हो जाएगा,
बेसिक स्ट्रेंथ देगा ओनली। बेसिक और एसिडोफिल या इसिनोफिल भी बोलते हैं। बोलते हैं तो इसे स्ट्रेन बाय एसिडिक। ठीक है एसिडिक स्ट्रेन। और ए स्ट्रेन इओसिन होता है इसीलिए। ठीक है एसिडिक स्ट्रेन इओसिन होता है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसिनोफिल। इसिनोफिल यूसिन क्या होता है? अच्छा मतलब स्ट्रेनिंग होता है स्ट्रेन करने वाला केमिकल इसलिए इसको बोला जाता है। दूसरे में ए ग्रेन्यूलेटेड में दो हैं आप बता सकते हैं इसमें दो अभी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट बोलो मोनो सही। ठीक है। लिम्फोसाइट में जैसे आप आगे पढ़ते हैं तो बी लिम्फोसाइट होता है टी लिम्फोसाइट। लिम्फो साइट एंड टी लिम्फो साइट ठीक है। बी बोन मैरो से होता है, टी थाइमस से होता हाँ तो इसमें अगर देखा जाए तो डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक किसमें किसमें इस सारे में तो ये नीचे ही बता दे रहे हैं सारे डिफरेंट नहीं मतलब है। कि जैसे सबसे पहले न्यूट्रोफिल है उसी में न्यूट्रोफिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले तो ये परसेंटेज कितना होगा न्यूट्रोफिल का 65% हम लोग पढ़े थे नहीं समझ रहे। परसेंटेज याद कर रखने के लिए मैंने बता दिया था। बेसोफिल कितना हो जाएगा सबसे कम होता है 0.5 to 2%। ठीक एसिडोफिल यानी कि इसिनोफिल 2 से लेकर 4%। ठीक और वैसे तो फिर मोनोसाइट ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि अब स्टेन की बात उतना होती है, फिर ये होते बेसिक है। क्या चीज स्ट्रेनिंग होता है बेसिक। ठीक है अच्छा मतलब वैसे बेसिक नहीं होते। 5 to 3% होगा। ठीक और न्यूक्लियस कैसा होगा शेप बताया बदलता रहता है तो न्यूट्रोफिल में मल्टी लूप्ड होता है। मल्टी लूप्ड भी फिगर बना दे रहे मल्टी लूप्ड ठीक है। और इसमें क्या होगा यस शेप होता है। ठीक इसमें क्या होगा बाई लूपेट होगा। ठीक और मोनोसाइट में किडनी शेप पहले बहुत पूछा जाता था किडनी शेप मोनोसाइट नहीं है, वो है यहाँ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट है। मोनोसाइट में किडनी शेप होता है उल्टा लिखा ना गड़बड़ हो जा रहा था। परसेंटेज तो ठीक है और इसमें देखा जाए राउंड होता है राउंडेड। ठीक है लिम्फोसाइट में ये हम सबका डिफरेंस लेके चल रहे हैं एक एक पॉइंट।
ठीक है, याद रखना आसान ही रहेगा। तो मोनोसाइट तो चेंज करते हैं अपनी शेप, उनकी फिक्स करनी होती है। न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, हाँ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस सेफ है। न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, साइटोप्लाज्म, न्यूट्रोफिलिक बेसिक फिलिक ग्रेन्यूल। इसमें देखा जाए फाइन ग्रेन्यूल होगा, ग्रेन्यूल्स की बात करें, कोरस होगा, कोरस होता है, कोई भी बहुत काम का नहीं है। और ये सब में क्या होगा, एब्सेंट होगा। लाइफ स्पेन भी सब याद नहीं रख सकते, वही चीजें, बोन मैरो वगैरह कहाँ पे बनता है, फंक्शन केवल लिख देते हैं, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन देखा जाए तो न्यूट्रोफिल फैगोसिटिक होगा, कैसा होगा, फैगो, फैगोसाइटिक। हाँ फैगोसिटिक होता है फंक्शन। और बिसोफिल क्या होगा, सिक्रीट, दो चीज, हिपेरिन और हिस्टामिन। हिस्टामिन और इसेनोफिल एंटी एलर्जिक होता है ना। एंटी इंफ्लेमेशन से। हाँ उन्ड हीलिंग भी करता है, और स्क्रैंगर होता है, खा लेता है, एंटी किलर होता है ना, और एंटीबॉडी किलर, इस उल्टा कर दिया मैंने, एंटीबॉडी तो बी लिम्फोसाइट होता है ना, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन, फॉर्मेशन का काम करता है लिम्फोसाइट, और स्क्वेंगर होगा। तो ये जैसे अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, मान लीजिए इसका शेप ऐसे है, तो न्यूक्लियस इस तरह से रहता है। ऐसे डॉटेड डॉटेड। इसमें देखा जाए तो शेप बदलता रहता है, जैसा इसमें एस लाइक रहता है ऐसे, ठीक। इसमें घोड़े की नाल की तरह होता है, इसमें कोई वैसा कह सकते हैं बड़ा सा रहता है, इसमें लास्ट में तो राउंड रहता है एकदम। ये न्यूक्लियस का बात था, ठीक है। जैसा ऊपर हम लोग फिगर दिखाए थे ना आपको, था ना, तो वही फिगर यहाँ पे आपको रख देते हैं। ये आप WBC याद रखिएगा, वही ये फिगर ना, देखिए एकदम सेम। इसिनोफिल का कैसा है, ये बेसोफिल का, न्यूट्रोफिल का देख सकते हैं, ठीक, वही सेम है। वो इसके देखो बाद ना, कौन, मोनोसाइट, मोनोसाइट है। तेरी किडनी शेप। अच्छा हाँ ठीक। सॉरी। इसके बाद थ्रम्बोसाइट पढ़ना ना, थ्रम्बोसाइट,
मतलब कि प्लेटलेट्स ने। हाँ सेट या प्लेटलेट्स का। पॉइंट में लिख लेंगे थ्रोम्बोसाइट के बारे में। क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और ये शायद पहले इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, फिर इनको एक्टिव फॉर्म में आने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। अच्छा, एक प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट में डिफरेंट है कुछ? प्लेटलेट्स डिफरेंट और थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स ये थ्रोम्बोसाइट देखा जाए तो सारे वर्टेब्रेट में पाए जाते हैं थ्रोम्बो। साइट्स फाउंड इन ऑल वर्टेब्रेट। एक्सेप्ट मैमल। मैमल में नहीं पाए। फंक्शन क्या है? प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग। और ए एंड कह सकते हैं न्यूक्लिएटेड होगा। प्लेटलेट्स को नहीं बोलते थे थ्रोम्बोसाइट। हाँ, वही डिफरेंस बता रहे हैं। हम लोग जनरली बोलते हैं न्यूक्लिएटेड होगा और एंड स्पिंडल सेफ होगा। स्पिंडल शेप कैसे बनाना? ऐसा हो जाएगा ना, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। तो स्पिंडल शेप होती कैसी है? अरे वैसे ही इस तरह के स्पिंडल से पता नहीं। स्पिंडल है जो तो घुमाते स्पिंडल नहीं है। फाइबर को क्या कहते स्पिंडल? अरे जैसे वो नहीं होता, मतलब आपका जैसे मैग्नेट का सुई बता देते हैं। मैग्नेट वाला ऐसे घूमता है, मैग्नेट ऐसे। वैसा प्लेटलेट्स ये कहाँ पाया जाएगा? ये ये मैम्बर्स में मैमल। मैमल में ओनली मैमल इन मैमल ओनली। ठीक है, फंक्शन क्या होगा? विक्रॉटिंग। ब्लड कटिंग। और न्यूक्लिएटेड न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस नहीं पाएगा। प्रोड्यूस कहाँ पे होगा? बताइए। कौन मैरू में प्रोड्यूस बाय साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन बाय रेड बोन मैरो। वही बोन मैरो साइटो प्लाज्मिक फ्रेगमेंट फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट।
कैरियोसाइट, ठीक है, आप रेड बोन मैरो, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं, नॉट है न्यूक्लियस, मतलब ऐसे रहेगा, बेसिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल, सिक्स स्मॉल साइज, साइज कितना पाया जाएगा, छोटा होता स्मॉल साइज रहता है, मतलब 2 से 3 माइक्रोन, एंड प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है, तो जानते हैं ना नंबर कितना होगा, 2 2.5 लाख से 3 3.5 लाख ना, 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है हाँ उसका। वही। अच्छा आप भी है, सही टाइम पर बोले भाई, बीच में नींद आ जा रही कैसे। अरे सर अभी 7:30 बजे नहीं ज्वाइन कर पाया। भाई अब मेहनत करने का, आप लोग पिछली बार भी ऐसे आप एंड वक्त पे धोखा दिए थे अपने आप को, फिर वही कर रहे हैं। रात में ना जगिए ना, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मत बनिए, समझ रहे हैं, अभी बार बार बोलते हैं इंजीनियरिंग करते रात भर पढ़ते, कोई नहीं, ठीक है, स्टूडेंट बनिए आप जिसका बन रहे हैं, बायो वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारे याद करने वाला मटेरियल है ना, जागेंगे तो नहीं याद होगा। बताइए इनक्रीजिंग को क्या बोलेंगे, लेट्स और डिक्रीजिंग को क्या टर्म देंगे, इतना तो सीख ही गए होंगे, फंक्शन ब्लड क्लॉट करता है। बताइए मतलब नाम बताना है ना इनकी इसका। हाँ, अभी ऊपर लिखे थे ना, आप नहीं थे, ऊपर टर्म बताना है, बताइए। अरे क्या सर ऊपर टर्म इनक्रीज डिक्रीज को क्या बोलते हैं, डिग्रीज को साइटोसिस, डिग्रीज को बोलिए। हाँ पेनिया लगा देते हैं ना, धन्यवाद। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऊपर डिक्रीज को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कह सकते हैं ना, पेनिया। और उसका थ्रोम्बोसाइटोसिस। साइटोपिनिया सर, तो आपने बस पीनिया लिखा था ऊपर शायद। देखना नहीं साइटोपेनिया, सर एक बार। ल्यूकोपेनिया, हाँ ल्यूकोसाइटो नहीं लिखा आपने शायद। ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपोनिया भी बोल देते हैं, ल्यूकोसाइटोपेनिया लिख देते हैं, ल्यूकोपेनिया भी बोला जाता है इसको, ऊपर साइटोपेनिया। यहाँ पे एक चीज सीक्रेट होता है, सेरोटोनिन जानते हैं, सेरोटोनिन,
क्या करता है? बेसड बेसड कंस्ट्रक्शन होता है सर, टोनिन। अच्छा, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बेसो कंस्ट्रक्टर होता है ना। अब ये WBC RBC ये सर हो गया, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए इसको थोड़ा सा जैसे ब्लड क्लॉटिंग वाला थोड़ा सा हम बताने जा रहे हैं बस, ठीक है, ज्यादा नहीं। समझ रहे हैं कैसे कैजुलेशन होता है, बस एक दो चीजें। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर होता है, उतना नहीं है। तो ब्लड क्लॉटिंग का थोड़ा सा फ्लो चार्ट छोटा सा, जितना आपके काम का। वैसे आगे अपडेट बड़ा सर पढ़ेंगे इसको, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, यानी कि कैजुलेशन ऑफ ब्लड ना। आपने भी वो तो नहीं कराया ना, हार्मोन वाला? नहीं यार अभी कहाँ हुआ, तीसरा चैप्टर यही है फिजियोलॉजी का। नहीं सर, हमने वो किल लिया है ना, न्यूरल कंट्रोल, हाँ और वो बचा था केमिकल डाला। हाँ वो तो है ही है, लेकिन अभी फिजियोलॉजी में तीसरा चैप्टर ही हो रहा, अभी तो एक सीटरी बाकी है। कैसे होगा सर? हाँ, स्केल्टन भी हो गया ना। स्केलेटल हो गया, हो अभी जाए, तो ब्रीथिंग बचा है एक शायद। स्केलेटरी बचा और हार्मोन, तीन चैप्टर बचे। जैसे देखिए यहाँ पे ब्लड कार्टिंग का थोड़ा सा फ्लो चार्ट हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे इंजरी होगा कहीं पे टिश्यू में, या इंजर्ड टिश्यू, ठीक। इंजर्ड तो रिलीज क्या करेगा, रिलीज चीज, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ब्लड प्लेटलेट्स वाले बात कर लेते हैं। ब्लड प्लेट प्लेट्स प्लेटलेट क्या यार, तो इसमें डाई सेंटीग्रेट डिसेंटीग्रेट हो जाएगा एंड रिलीज प्लेटलेट्स प्लेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लास्टिन ठीक, कैल्शियम आयन इसमें प्लस प्रोटीन, ठीक। कैल्शियम प्लस प्लस टू के रूप में होगा और प्रोटीन रिलीज होगा, ठीक। और यहाँ से भी थ्रम्बो प्लास्टिन कैल्शियम प्लस प्लस एंड प्रोटीन, ये दोनों जगह से रिलीज होगा, ठीक है। ये हम रैप डायग्राम बना रहे हैं केवल, मतलब काम की चीजें, फिर बाद में आप पढ़िए थ्रम्बोकाइनेज। पहले वो नहीं होता है प्रोथ्रोम्बिन? अभी बता रहे हैं जो आप थ्रम्बो काइनेज एंजाइम सिक्रीट होता है दोनों जगह से, यही एंजाइम जो आप बोल रहे हैं वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से कैल्शियम प्लस प्लस और ये क्या करेगा, इनएक्टिव वेट्स हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है बता चुके हैं, एंटी कैजुलेंट होता है ना, कैटालाइजेस। अब ये जो आप बता रहे हैं उसमें चेंज कर देगा क्या, प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बोकाइनेस वाला फिर से बताना एक बार, मेरा नेट चला गया था।
ये मतलब दोनों सिक्रेट करेगा, मतलब ब्लड से, प्लेटलेट से इंजरी जहाँ टिश्यू होगा वहां पे, जैसे कहने के मतलब टिश्यू इंजरी तो स्टिमुलस कह सकते हैं, अच्छा, इसके वजह से थ्रोम्बोप्लास्टिन वो होगा रिलीज। हाँ रिलीज होगा तो वो थ्रम्बोकाइनेज देगा एंजाइम। अब ये थ्रम्बोकाइनेज प्रोथ्रॉम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में, समझ रहे हैं, ये वर्क करेगा यहाँ पे। तो प्रो फॉर्म किसमें, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत मतलब शॉर्ट में हम बता रहे हैं, बहुत बड़ा फंक्शन होता है इसका, थ्रोम्बिन, ये ठीक कैल्शियम है। भी निकल रहा है यहाँ से। कैल्शियम ये मतलब यही तो सेल में उधर जाएगा, ये भी स्टिमुलेट करता है थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम आयन मिलके, ठीक है, दोनों कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं थ्रोम्बो प्रोथ्रोम्बो से थ्रोम्बो में, ठीक है। कैटालाइजेस यहाँ पे जो सिक्रेट हो रहा था वो फिर चेंज कर देता है किसमें, फाइब्रिन में, फाइब्रिन, ठीक है। अब फाइब्रिन देखा जाए, ये फाइब्रिनोजन रहता है कहाँ से, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ना, ऊपर हमने पढ़ा था फाइब्रिनोजन, ठीक है। अब फाइब्रिनोजन के बाद ये फाइब्रिन जब बदल जाएगा तो यहाँ पे क्या क्या होगा, फाइब्रिन प्लस जो डैमेज एलिमेंट ऑफ द ब्लड होगा फिर क्लॉट हो जाएगा। फाइब्रिन एंड कह सकते हैं डैमेज एलिमेंट ऑफ द ब्लड, एलिमेंट ऑफ ब्लड, ठीक, फिर ये क्लॉटिंग हो जाएगा। ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें क्योंकि है नहीं, बस मैं ये थोड़ा सा कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे बस याद रखिएगा, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा मेटल यूज होता है, तो आपके सामने लिखा है, ठीक है, कौन सा मेटल यूज होता है, कैल्शियम। हाँ कैल्शियम, और कौन सा ब्लड क्लॉटिंग विटामिन होता है बता सकते हैं, विटामिन विटामिन हाँ डी विटामिन डी नहीं यूज होता भाई, विटामिन के प्रोटीन होता है, भी तो इतना फेमस है, हाँ विटामिन के होता विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग होता है विटामिन ना, तो ना। और सर भाई आपने वहां पे लिखा है वो प्लेटलेट 250 से 3.5 लाख, अगर एग्जाम में आ गया 150 से तो फिर गलत हो जाएगा ना। अभी भाई तो 150 से मतलब उतना 1.5 लाख होता है, 1.5 लाख से 4 लाख कोई कोई लिखते हैं, तो आप हाँ 1.5 लाख से चार मतलब लाख लिख लीजिए, हाँ लिख 1.5 लाख, लीजिए, 1.5 लाख। 2.5 लाख मैंने लिख दिया, हम सोचे इतना कमजोर नहीं ठीक है। यहाँ पे देखिए जितना आप पढ़े थोड़ा सा हम समराइज कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। ब्लड, ब्लड में क्या क्या होता है, ऊपर मैंने लिख दिया था, पर ब्लड जल्दी में बताया, होता है एरिथ्रोस, मतलब वैसे तो फॉर्म्ड ब्लड सेल हो जाएगा, फॉर्म एलिमेंट प्लस प्लाज्मा, एलिमेंट हो गए, और हाँ और प्लाज्मा वो प्लाज्मा प्लाज्मा दो, हाँ फॉर्म एलिमेंट में क्या होगा, हाँ एरिथ्रोसाइट थ्रोम्बोसाइट और ल्यूकोसाइट। यानी कि प्लाज्मा क्या हो जाएगा, ब्लड माइनस WBC वगैरह हो जाएगा, ठीक है। सीरम क्या होता है, ब्लड सीरम होता है ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग माइनस क्या हो गया, कार्पस ब्लड को क्लॉटिंग नहीं करे, प्लस फाइब्रिनोजन है, ठीक थ्री है, का लिख फार्मूला दिया आपने। क्लॉटिंग बता रहे हैं। फैक्टर नहीं था इसका। हाँ तो मतलब क्लॉटिंग वाला सारा वो मतलब कि ब्लड माइनस जो बचा रहेगा प्लाज्मा ही, वही तो हो गया, हाँ लिख दे रहे हैं आप जो कह रहे हैं वही होगा, ऐसा पूछा जाता है, कार्पो सेल्स बस इसका वो पता रहना आफ्टर चाहिए, हो गया, और बाकी थोड़ी ना उसमें लिखेंगे। आफ्टर क्लॉटिंग, यही ना,
मतलब प्लाटिंग के बाद कोई भी नहीं होगा, ना आरबीसी होगा ना कुछ। नहीं, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? तो ब्लड लिम्फ माइनस, बेसिकली, ब्लड माइनस आरबीसी को लिम्फ बोल देते हैं, या प्लाज्मा। इसीलिए बोले चेक करने जा रहे हैं डब्ल्यूबीसी, आप लोग क्या का बताते हैं। और भी यहाँ पे प्लाज्मा, प्लाज्मा ने लिख के, प्लाज्मा तो लिख दिए ना ऊपर, ब्लड। तो प्लेटलेट भी नहीं होते लिम्फ, प्लेटलेट्स भी नहीं होते तो नहीं, फिर ब्लड माइनस आरबीसी माइनस लिम्फ होनी चाहिए ना। सॉरी लिम्फ बोल रहा हूँ, किसमें वो माइनस क्या कहते हैं, लिम्फ में तो वही डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी नहीं होता केवल। बाकी सब होता है। तो प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस वो भी तो होना चाहिए प्लेटलेट। प्लाज्मा सर आपने सेकंड फॉर्मूला लिखा है लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा, डब्ल्यू, प्लाज्मा तो सर उसमें वो भी तो होना प्लस चाहिए प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी। हाँ वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ऐसा भी कर लेते हैं थोड़ा सा। डेढ़ आरबीसी कहाँ जाएगा? डेड आरबीसी जाएगा स्प्लीन में। डेड आरबीसी स्प्लीन में, लीवर में ना, लीवर। अब आगे इसका दो पार्ट हो जाएगा ना, एक हीम वाला पार्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाता है ना हीम, और दूसरा एक कह सकते हैं डाइज हो जाएगा, डेड हो जाएगा। हीम कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? हीम ट्रांसफर हो जाता है रेड बोन मैरो में। टू रेड बोन मैरो फिर से रीयूज हो जाता है, ठीक है। और जो मर जाता है, डेड हो जाता है, तो ये सेपरेट कौन करता है? अरे सॉरी, हीम प्लस डाइज कलर वाला पार्ट करना है। डेड वाला तो हम लोग लिख ही रहे हैं, डेड वाला पूरा मतलब आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाता है, हीम प्लस डाई कलर, कलर वाला पार्ट, ठीक है। ठीक, अब डाई सेपरेट हो जाता है, कहाँ पे चला जाता है बता सकते हैं? ऊपर लिखाए थे भाई, आप लोग किडनी, पढ़ते नहीं, हम रोज भेजते हैं पीडीएफ, इसलिए एक बार तो पढ़ लीजिए। फॉर्म ऑफ बाइल रोबिन बाइल बर्डिंग बताया था ना, हाँ फॉर्म बनाएगा क्या दो पार्ट बिलीवर्ड, में? बिलीवर्ड यानी कि वाइल रूबिन और बाइल वर्डन। बाइल रूबिन किस कलर का होता लो है और बाइल वर्डन? येलो। ये दोनों बाइल पिगमेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये येलो कलर का होगा बाइल रूबिन, और ये ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। ये दोनों बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट। ठीक, ये बहुत सारे। अब अगर देखे बाइल रूबिन क्या होगा, बाइल वर्डन, लीवर में अगर बाइल रूबिन जाता है, लीवर में येलो वाला ना बाइल रूबिन, इंटेस्टाइन ये लीवर में रहेगा, यहां से लिख दे रहे हैं ना, बाइल रूबिन इन लीवर अगर, तो ये भेज देगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में क्या करता है बाइल रूबिन बताइए? दो पार्ट करेगा ना ये,
एक स्टीरिको बेली नोजन, दूसरा यूरो बिली नोजन, बता सकते हैं? देखें, तीर को ये येलो नहीं हो जाएगा, दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, ये येलो इस कलर का होल होता है, लोइस ब्राउन कह सकते हैं, और इक्स्रीट आउट हो जाता है आउट थ्रू फेशियल मैटर, और फेशियल मैटर इसीलिए येलो ब्राउन कलर का होता है। रिटा इज येलो आर ब्राउन, ठीक है, मेन यही रीजन है। और यूरोबिलिन एजेंट क्या करता है, येलो होता है, एब्जॉर्ब इन ब्लड एंड फिल्टर बाय किडनी। ब्लड एंड फिल्टर बाय किडनी, और ये क्या काम करता है बता सकते हैं? एक तो फेशियल मैटर को येलो ब्राउन बना रहा है, ठीक है, जो डिफिकेशन में, और दूसरा यूरिन के कलर को चेंज करता है, इट चेंज इनटू यूरो क्रोम इन यूरिन। तो सो कह सकते हैं, सो कलर ऑफ द यूरिन किस कलर का होता है? डिलोश येलोइश हो जाता है, ठीक है, येलो कलर का, ठीक है, ये रीजन है सारा। तो इसमें आगे हम लोग चलते हैं, ये बाइल रूबिन बाइल वर्डिन का थोड़ा सा मैंने बता दिया, अगर एक्स्ट्रा ही है थोड़ा सा आप जान सकते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर देखा जाए, जितना भी हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा था, किसका, आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहाँ से हो रेड रहा था? बॉल मारो। रेड बोन मैरो। तो अगर देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी थोड़ा सा, तो आरबीसी बेसिकली कैसे फॉर्म होगा, तो एक देखिए पहला सेल यहाँ से आता है, इस टाइप का थोड़ा सा फिगर भी बनाते चलते हैं। कॉन्केव सेल है, इस सेल का नाम बता सकते हैं जो मैं बना रहा तो बना हूं? रहे हो सर आप। ये पूरा फंक्शन बता दे रहे हैं आप लोग, कभी दिक्कत नहीं होगा इसमें। ये माइलो ब्लास्ट बोलते हैं इसको, माइलो ब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब बनाने वाला तोड़, ब्लड मतलब सेल, कहीं पे भी मैंने कई बार बोला होगा, ब्लास्ट वर्ड क्या होता है, बनाने वाला सेल वाला सेल, मतलब एक देखिए साइट, साइटो वर्ड होगा, साइटो, साइटो के दो पार्ट हो जाएंगे, एक ब्लास्ट हो जाता है, एक क्लास्ट हो जाता है, क्लास्ट मतलब तोड़ने वाला वाला सेल, ठीक है, दो पार्ट में बच जाए, जैसे कहीं भी, जैसे ओडेंटो ब्लास्ट हो गया, तो यानी कि टीथ बनाने वाला सेल हो गया, ठीक है, ओडेंटो क्लास्ट जो टीथ के एनामल को ब्रेक कर रहा है उसे बोलेंगे, ठीक है, ब्लड कैपिलरी लरीज, और ये पूरा स्टेम सेल कह सकते हैं, बीच में स्टेम सेल बोल सकते हैं,
सेल नियर ब्लड कैपिलरी कह सकते हैं, नियर ब्लड कैपिलरी। ठीक, अभी मियोब्लास्ट आगे चलेगा, स्टेम सेल, वही स्टेम सेल से ही बनाते हैं ना हम्म, बेसिकली, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अरे यार इस तरह से इसको हम लोग मियोब्लास्ट यानी कि स्टेम सेल एक ले लेते हैं, लो ब्लास्ट और स्टेम सेल, ये एमीबॉयड होगा जैसे फिगर बना है, एमीबॉयड सेल होता है। ठीक, अब ये आगे जाएगा तो थोड़ा सेल बड़ा हो जाएगा, लार्ज स्टेम सेल बन जाएगा। ठीक है, मतलब खा पी के बड़ा हो जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रो एर्थ्रो ब्लास्ट बोल देते, लास्ट प्रो एर्थ्रो ब्लास्ट अभी मेच्योर है, प्रो फॉर्म में, लार्जर देन क्या कह सकते हैं स्टेम सेल। अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, डिवाइडेड, कैसा डिवाइड होगा, मियोटिक माइटोटिक, इतना तो कॉमन सेंस से बता ही सकते हैं। माइटोटिक डिवीजन होगा मियोटिक, सर मियोसिस होना चाहिए। सॉरी, मियोसिस हाँ सॉरी कहाँ होगा, माइटोटिक होगा सॉरी, ना, माइटोसिस, सॉरी सॉरी सर। सेल डिवीजन एंड एर्थ्रो ब्लास्ट क्या हो जाएगा, फॉर्म फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा एर्थ्रो ब्लास्ट। तो एर्थ्रो ब्लास्ट कैसा बन गया, तो प्रोथ्रोम्बोब्लास्ट, अभी प्रो एरिथ्रो देखे, थ्रोम्बोब्लास्ट। अभी देखे न्यूक्लिएटेड रहेगा नहीं ब्लास्ट, और एर्थ्रो ब्लास्ट भी चेंज हो जाता है, और भी चेंज हो जाएगा इसमें, मेटेरो थ्रो ब्लास्ट में चेंज होता है कभी कभी, दो पार्ट में हो जाता है, थ्रो ब्लास्ट, और दूसरा कुछ चेंज इनटू इनटू मेटा एर्थ्रो ब्लास्ट, और कह सकते हैं ये चेंज हो जाएगा। आपने क्या बनाया अभी, कुछ नाम बताए थे ना, सर रेट रेड रे बोन मैरो, रेटिकुलो साइट में, ठीक ये तो बोला ही नहीं है। मैंने कभी। अच्छा, हमें लगा यही बोले हैं, हम कहें आगे का प्रोसेस पता है। अब ये इमेच्योर न्यूक्लिएटेड आरबीसी बन जाता है, इसे कहते हैं इम मेच्योर, न्यूक्लिएटेड आरबीसी बन जाता है, ठीक है, और इसे हम लोग इमेच्योर को क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट बोलते हैं, यूलो साइट, ये तो ठीक बड़ा है। अजीब हाँ सा प्रोसेस। हाँ फिर बड़ा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे देखा जाए मेच्योर कौन करता है, बहुत इमेच्योर बना, अब मेच्योर कौन करेगा बता सकते हैं, मैच्योर करेगा मैच्योरेशन बाय विटामिन बी12, समझ रहे हैं, हाँ ये मेच्योर करेगा, ठीक है, विटामिन तो बी की शक्ति, किसके शक्ति, रेड आते हैं ना, विटामिन बी12 की शक्ति वगैरह।
हॉलिक हम तो सोचे कि वो वाला है बता रहे हैं, जैसे कौन बोन वीटा में गाय की मतलब गाय सा? वाली शक्ति ऐसे पहले बहुत सोशल मीडिया पे फेमस हुआ था। हाँ ऐड आते हैं सर काफी ऐसे, क्योंकि वो किसी की भी तो शक्ति मतलब दिलवाते हैं। दूध दूध जैसी शक्ति, तो उसमें गाय गाय बगल में बैठ के बोल रहे हैं हम क्या चूतिया हैं जब सुने शक्ति दे दोगे ऐसे सब फेमस किए थे। उसमें कुछ रहता भी है पता फिल करने का आइडिया होता है ना। नहीं, बहुत बिकता भी तो है। ठीक है ये वो तो बिस्किट बिकाउट में भी न्यू डाल देते फ्लेवर। हैं दूध की शक्ति, हाँ वो अब तो होता देखिए, भी नहीं हाँ दूध। अब देखिए ये हम लोग बन गया ठीक है, और ये दिन कितने लगते हैं पता है? अगर दिन याद रखना है, इमेच्योर तक कहाँ पे, टोटल मैं जो नीचे था टोटल टाइम देखिए लगता है, जानते हैं कितना दिन? ये 11 डे टोटल। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ रेटिकुलेट इमेच्योर तक बनने के लिए, वहां ऊपर से आ जाइए पूरा, ठीक, ये इमेच्योर तक बनने में कहाँ गया, और है नीचे ना बड़ा सा बन गया, यहाँ तक टाइम इसे फर्स्ट 6 डे लगता है, 6 डे ठीक है। उसके बाद ये दूसरा स्टेप है, इतना 5 डे लगता है, मतलब ये विटामिन B12 वाला, नेक्स्ट 5 डे, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ठीक है। यानी कि टोटल कितना हो गया, 11 11 ये बन रहे। हाँ दिन लगता है बनने में ठीक है। ये बोन मैरो बाद में कह रहे हैं, बोन मैरो होता क्या है, जैसे लॉन्ग बोन में तो देखा जाए ज्यादा रहता है बोन मैरो का, नहीं तो बोन मैरो साइड वाला लगभग पार्ट का रहता है, बोन का किनारे वाला साइड, जैसे मैं किसी बोन का ये बना दे रहा हूँ, तो ये वाला बीच वाला क्या है, कौन कौन मीट खाता मैं खाता हूँ बोन है ये क्या है मैरो कभी खाते हैं कभी। भाई, इसमें बहुत सारे केमिकल वगैरह भरे रहते हैं, वही लोग खाते हैं, मैं नहीं खाता है ना इसलिए पूछ रहा हूँ ठीक। ये क्या है, किनारे वाला पार्ट क्या बोला जाता है, EP5 बोला जाता है बोन का, और ये जो पार्ट है यही क्या है, कह सकते हैं रेड बोन मैरो का पूरा किनारे वाला ही पेनली पार्ट रहता है, रेड बोन मैरो यहाँ वाला इस पार्ट से ही बनता है, RBC किनारे वाले साइड वाले पार्ट से ठीक है। RBC बोन मैरो तो बीच वाला पूरा पार्ट हो गया ठीक, और ये जो बीच वाला है येलो बोन मैरो बोलते हैं ना, ये वाले को येलोइस होता है, येलो बोन मैरो यही होता है ना। यस सर। हाँ भाई MW को उल्टा लिख दिया मैंने ठीक। ये फॉर्मेशन किसका करता है, WBC, सर दोनों का प्लेस अलग अलग है, बोन मैरो तो दोनों बना रहा है ना, रेड बोन मैरो RBC किनारे साइड से बनता है ये ठीक है। और मेच्योर अगर WBC की बात करें जाए ये वाला, तो इसमें क्या क्या एब्सेंट होता है, विदाउट न्यूक्लियस तो होगा ही, और क्या नहीं होगा, माइट्रोकांडिया भी नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, गोल्जी बॉडी, और राइबोसोम,
सेंट्रियोल, ये सब एब्सेंट रहता है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक तरह से बताना था। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए जल्दी से। इस चैप्टर में है थोड़ा सा, हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम बता रहे हैं। ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप तो आपको आता ही है ना सारा। कि इसको ब्लड ग्रुप वाला छोड़ दे, क्या जैसे कर लीजिए सर, वो एबी वाला। हाँ एंटीजन छोड़ दो, क्या ही बताओगे इसमें। वगैरह सारा छोड़ हाँ दे वो दो। तो हाँ आता ही है, एबी वगैरह ना। हाँ हाँ जेनेटिक्स में पढ़ाया था मैंने, निकालने के भी बताया था सारा। ठीक, RH फैक्टर वो वगैरह भी हो बता गया, दिया था प्लाट। आपने, जो क्या कहते हैं कि फीमेल्स में होता है प्रेगनेंसी के टाइम। एर्थोब्लास्टोसिस्पिटेलिस। ठीक है, वो तो हम लोग इधर से शुरू कर लेते हैं, हार्ट से ना? कि नहीं, यहाँ पे जगह छोड़ दे रहे हैं, वो रिवीजन में हम यहाँ पे करा देंगे। ठीक है, ठीक ठीक। तो हार्ट, हार्ट पे आ जाते हैं। हाँ हार्ट, हार्ट अ बर्ड मैमल, तो मैमल का ही पढ़ते हैं हम लोग, मेनली मैमल ही है ना, और तो कोई है नहीं। और तो बाकी इनवर्टिब्रेट में हम लोग पढ़ लेंगे, एम्फीबियन का हार्ट कितना चैम्बर का वगैरह है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो हार्ट पे आ जाते हैं, इसमें हार्ट पे आ जाते हैं, फिगर होगा क्योंकि टाइम नहीं है। हर्ट हो गया, चलिए दोनों ले लेते हैं। अभी रिवीजन होगा ना सर, हो जाएगा ना रिवीजन की, आप तो होगा जरा काहे समझ। नहीं भाई, आप जगते रहिए, होगा काहे नहीं, भी बहुत टाइम है। ये हर्ट सही है, देख ही रहे हैं। ठीक है, अब हर्ट मैमल का हर्ट कैसा होता है आप जान ही रहे हैं। कैसा होता है, कितना चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है जैसे दिख रहा है। चैम्बर। हाँ मतलब हार्ट 4 चैम्बर मैमल का। मैमल्स एंड बर्ड, बर्ड का भी सेम ही रहता है। ठीक, तो दोनों हार्ट सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। आदमी का हार्ट तो सर वो लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन बट एनिमल्स का हार्ट कहाँ होता है, ये होता ही नहीं। अरे भाई, होगा क्यों नहीं, उसका ब्लड कौन पंप करेगा आप? वही तो, मतलब नहीं होगा तो वो तो रहेगा ही नहीं। ह्यूमन हार्ट ही हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा पेटी इसको होता है क्या इतना भारी से, पता नहीं चलता चीज, कहाँ रहा। ह्यूमन हार्ट ही पढ़ेंगे, पूरा ह्यूमन का ही। ठीक है, तो देख लेते हैं, फिगर याद रखना। ठीक है, अब देखा जाए तो नीला नीला कौन है? नीला नीला पल्मोरिन में ही नीला होता है ना, मतलब मतलब ये ब्लू डिऑक्सीनेटेड ब्लड है। डी ऑक्सीजनेटेड, यानी कि जो आपका राइट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक हाँ है, राइट साइड, और राइट इधर साइड में। लेफ्ट साइड। हाँ, ये अपने आप को समझ के पढ़ा जाता है फिगर में। तो ये राइट साइड है, तो ये क्या होगा, पूरा राइट क्या होगा, इमेच्योर मतलब इम्प्योर ब्लड रहता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, प्योर रहता है। ये अब यहाँ पे देख सकते हैं फिगर, अभी हम नीचे बना रहे हैं रफ डायग्राम। ठीक, अब ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, राइट वेन है, राइट एट्रियम है, तो ये राइट एट्रियम है, और ये लेफ्ट क्या है, एट्रियम है, ये वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल वाल सबसे ज्यादा थिकर होगा और सबसे कम होगा, क्योंकि ये आपको ब्लड पहुंचाएगा। ठीक है, जी,
भैया ऊपर आ सकते हैं ऊपर। अरे मैं क्लास ले रहा हूँ थर्ड। वहीं रख दीजिए कहीं ऊपर आके, ऊपर आके रख दीजिए। नहीं, हाँ भाई अच्छे से बहुत कोहरा है यार, अभी बहुत कोई पता आज नहीं दिख नहीं रहा। चलिए ये हम अभी ऑकवर्ड। नीचे बना के फिर बताते हैं, ठीक है। अब तो फिर भी कम है, सुबह सुबह तो कुछ दिख नहीं रहा था। हाँ रात में मैं आया बहुत तेज था। देखिए ह्यूमन हार्ट की बात करा जाए तो कहाँ पे लोकेटेड होगा? थोरासिक कैविटी में, राइटली हाँ लेफ्ट अच्छा यानी ठीक कि है। कह सकते हैं लोकेटेड लोकेटेड इन मीडिया स्टर्नम बोलते हैं ना, मीडिया स्टर्नम। मीडिया स्टर्नम में ये क्या होगा? स्पेस बिटवीन टू लंग्स ने? टू लंग्स, दो लंग्स के बीच का स्पेस होता है, ठीक। और इसमें देखा जाए फिट रहता है, फिट्स इन कॉर्डिक कॉर्डियक नोच ऑफ द लेफ्ट लंग्स, ठीक है। और किस शेप का होता है? ट्रायंगुलर शेप का रहता है, लेफ्ट शेप। और वेट वगैरह देखा जाए तो थोड़ा मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, ठीक है। समझ रहे हैं? एक पहले गाना भी था 250 ग्राम का, ठीक है, हर्ट लेके पहले पुराने जमाने में, ठीक है। समझ रहे हैं? तो ऐसे याद रख लीजिए, कोई नहीं। इसमें कह सकते हैं 300 ग्राम, और इसमें 250 ग्राम का हर्ट वाला यही जान ही रहे हैं, यही गाना बना होगा, ठीक, फीमेल में। तो ऐसे याद रख सकते हैं, कोई नहीं। तो अगर देखा जाए ट्रायंगुलर शेप, एक ऊपर का हम डायग्राम पहले बना रहे हैं, नीचे बनाएंगे। ठीक, ये क्या है? थोड़ा सा आइसक्रीम बन गया? अच्छा नहीं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ऐसे। ये बेस एपेक्स, ठीक है। और ये बीच वाला एक पार्ट हो जाएगा ना, इसको क्या बोलेंगे? कोरिनरी सल्कस। और ये बीच वाला कौन सल्कस होगा? इंटर
बोलिए। वेंट्रिकुलर कुलर सल्कस, मतलब जो दबा हुआ रहता है उसे सल्कस बोलेंगे। लाइन जो रहती है, मतलब डिवाइड तो अंदर से रहेगा ना, ऊपर तो ऐसे सल्कस टाइप का रहेगा। वाल ऑफ हर्ट, कितने वाल होते हैं बता सकते हैं? हर्ट का वाल, वाल ऑफ हर्ट कितने वाल होते हैं? तीन वाल वाल रहते हैं, मतलब दीवाल, तीन दीवाल के अंदर रहता है। एक आउटर, आउटर को क्या बोलते हैं? आउटर वाल। आउटर वाल को आपको ईपी कार्डियम बोलते हैं, सुने होंगे आप। ईपी मतलब आउटर, कार्डियम हार्ट का वाल, ठीक है। मिडिल, मिडिल को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम, मायो कार्डियम, ठीक। इनर, इनर को क्या बोल देंगे? इंडो कार्डियम। ये सब नाम तो ऐसे ही है। तो तीन वाल होते हैं। अगर देखा जाए आउटर वाले में, ईपी कार्डियम में दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें फाइब्रस और सीरस होता है। सर सीरस, हाँ सर कभी कभी बाहर के लिए हम एपी यूज कर लेते हैं, कभी कभी पेरी भी यूज कर हाँ लेते हैं, तो एक हाँ ही क्यों कभी नहीं यूज करते कभी हैं? जैसे अंदर, मतलब कि जैसे अंदर कहीं खोखला लेयर है, ठीक है, तो उसको हम लोग उस लेयर को ईपी यूज कर लेते हैं। जैसे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर का है ना, तो उसको भी ईपी बोल देते हैं, तो उस सिचुएशन में बोला जाता है। हाँ तो भी एक तरह से बाहर ही मानते हैं, समझ रहे हैं। और जब मतलब कहीं कटिंग का है, कटिंग से मतलब एक ही, मतलब ठीक, जैसे मान लिया एक दीवाल हो गई ना, एक अंदर की दीवाल हो जाएगी, एक बाहर की, तो अंदर वाली भी दीवाल एक तरह से बोल सकते हैं, बोलते हैं कहीं कहीं पे, जहां पे मतलब खोखला, मतलब ज्यादा, मतलब मेन कंसंट्रेटेड उधर वाला पार्ट रहता है, उसीलिए बोला जाता है। तो ये वाल हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत यूज फुल है हमारे लिए। मायोकार्डियम में जानी रहे, नाम से ठीक होगा, बहुत पूरा मस्कुलर मटेरियल भरा रहेगा। नहीं, ये हमने मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, मायो कार्डियम बनाया, और कार्डिक मसल कह सकते हैं। नहीं, कार्डियक मसल कैसा होता है? कार्डियक स्ट्रेटेड मसल होगा कि नॉन स्ट्रेटेड होगा? अच्छा स्ट्रेटेड होगा और इनवॉल्ट्री और ब्रांच होगा कि अनब्रांच? ब्रांच्ड होगा। ब्रांच होगा, ठीक है। ये हम अंदर का बना दिए, इंडोकार्डियम। ठीक है, और इंडोकार्डियम कैसा होगा? अभी कल पढ़े थे थोड़ा सा, कौन सा इपिथिलियम? सिंपल बताइए, स्क्वेमस इपिथिलियम, इपिथिलियम सिंपल स्क्वेमस इपिथिलियम ही तो रहा है, ऐसा सेफ रहेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह होगा, ठीक। इसमें देखा जाए तो इसमें हमने दो लेयर एक बनाया है, ठीक। आउटर वाला क्या हो जाएगा? इपिकार्डियम है कि नहीं? और ये वाला पार्ट विसरल पेरिकार्डियम, जैसे मैंने यहाँ पे विसरल पेरिकार्डियम कह सकते हैं, विसरल
पेरिकार्डियम। ये वाला पार्ट जो, ये वाला पेराइटल पेरिकार्डियम। कार्डियम और ये जो फ्लूइड होगा इसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। शॉक वगैरह से बचाएगा नहीं? और 50 मिलीलीटर पाया जाता है शायद। ये वाला कौन सा हो जाएगा? फाइब्रस पेरिकार्डियम कि बाहर वाला है एकदम। फाइब्रस पेरी कार्डियम, ये आउटर मोस्ट लेयर। और ये जो पार्ट था ये वाला को सेरस पेरिकार्डियम दोनों को बोल सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने लिया सेरस। ठीक, ये पूरा वाल रहता है, आप देख सकते हैं। फंक्शन आप पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या फंक्शन रहता है? पेरिकार्डियल प्रोटेक्शन, फ्लूइड क्या चीज? प्रोटेक्शन के लिए, ताकि और वो ना फ्रिक्शन कम हो जाए। लुब्रिकेंट का काम करेगा और प्रोटेक्शन के लिए। तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन एक तो एक्ट एज लुब्रिकेंट एंड दूसरा प्रोटेक्ट हर्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। नहीं, एक्ट एज लुब्रिकेंट। एंड प्रोटेक्ट द हार्ट शॉक, मतलब हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। लड़ाई वड़ाई कर लिए कि नहीं? मारते हैं ना लोग। सबका प्रोटेक्शन है। ठीक, अब आते हैं हम लोग चैम्बर वगैरह पे, जो आप लोग इंतजारी कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट करें। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। हार्ट पहली बात कितने चैम्बर का होगा? 4 चैम्बर का जो ऊपर मैंने दिखाया था। ठीक है, 4 चैम्बर का होगा। तो याद रखने के लिए थोड़ा समय इसको डी शेप में कर रहा हूँ। ठीक, नाम याद रहे। ठीक, रेक्टेंगुलर बता रहा हूँ, भूल जाता है आप लोग कभी कभी। राइट क्या होगा? आर्किल होगा। लेफ्ट आर्किल होगा। ठीक, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, होगा ना? ठीक, और अगर देखा जाए तो इसमें वॉल्व वगैरह की बात करेंगे। अभी दो वॉल्व होगा, जब यहाँ से पंपिंग जब इधर जाएगा, यहाँ से ऐसे मान लीजिए हम बना दे रहे हैं, तो इधर लंग्स बना दिए, लंग्स लंग्स हो जाएगा। तो ये क्या है? एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा ना, और फिर ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड करके इधर भेजेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? इधर जब भेजेगा तो वाल्व की जरूरत नहीं, जब इधर से पंप होगा तो इसमें रोकने के लिए तो यही है। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं ट्राई कस्पिड और बाई कस्पिड वाल्व होता है।
और सेमिलुनर वाल्व भी होगा, लेकिन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पे होगा? ऐसे याद करते हैं 32, ठीक है, 30 मतलब राइट और ये लेफ्ट वाले में, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। इसको हम अब ढंग से बनाने जा रहे हैं, या आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही हम बनाएंगे, ठीक है, फिगर आएगा तो यही आएगा, ठीक। तो अब इस पे अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे हम रख देते हैं ये, आप इसी फिगर को ही मतलब एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग, ठीक कि नहीं, क्योंकि यही फिगर ही बताना है आपको। देख सकते हैं ये जो हमने बोला था राइट आट्रियम में पूरा याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखा जाए ये कौन सा होगा, स्मॉलर देखिए पोर्ट है, ये लेफ्ट आट्रियम है, नहीं ये तो वॉल्वो का हो गया, रोटर, ये राइट लेफ्ट वाला पूरा रेड पार्ट होगा ना, ये वाला राइट लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा लेफ्ट वेंट्रियम रेड वाला है। रेड वाला पोर्शन देखिए कम है, क्योंकि ब्लड को पहुंचाना है दूर तक, कि नहीं, और ये ब्लू वाला पार्ट काफी ज्यादा एरिया में है। तो यहाँ पे देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये वाली वाल्व, यानी कि जब यहाँ से ब्लड पंप करेगा लंग्स में जाएगा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, तो इसमें फिर से ब्लड न जाए इसलिए रोकने के लिए वाल्व हो जाएगी, ठीक है। और इधर देखा जाए तो वही सिचुएशन फिर आ जाएगा, जब यहाँ पे फिर से होगा तो यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व पाया जाएगा, हाँ, यानी कि सेमिलुनर वाल्व यहाँ पे है, ठीक है, सेमिलुनर वाल्व यहीं पे होगा, ठीक, और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, और ये सेप्टम हो जाता है बीच में, थिकर, और नीचे थिक होता जाता है, ठीक, और ये कार्डिक टेंडन ही बोला जाता है, इन्फीरियर वेना कैवा हो गया ये वाली ब्लड। तो हाँ, इस वाले पोर्शन को तो अलग हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें और भी नाम है बहुत सारे, ठीक, तो नाम याद रखना है, ठीक। इसमें देखा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू ह्यूमन हार्ट कैसा होगा, दो पार्ट में सर्कुलेशन होता है, एक हम फ्लो चार्ट पहले बना रहे हैं, तब आपसे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू ह्यूमन हार्ट, कितना पार्ट हो जाएगा, दो तरह के सर्कुलेशन होता है ना, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, हम यहाँ पे पहले बना रहे हैं, आप बताइएगा कौन सा सर्कुलेशन है, ठीक है, तब हम डिटेल में लिखेंगे, एक राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, ये फ्लो स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे जाएगा, लंग्स में, हैं, और ये कौन सा ब्लड लेके जाएगा, डीऑक्स, ऑक्सीजनेट, अच्छा ये डीऑक्स डीऑक्सीनेट लेके जाएगा, फिर ऑक्सीजनेट हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, और ये पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, और उसके बाद देखा जाए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा कि नहीं, इसके बाद जैसे लंग से निकलेगा, ये लंग से निकलेगा ब्लड, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ये कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट आर्किल में, लेफ्ट आर्किल में हो जाएगा ना, ये लेफ्ट आर्किल में चला जाएगा, और ये कौन सा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और पल्मोनरी वेन लेके जाएगा, नहीं, पल्मोनरी वेन लेके जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड
पंप हो जाएगा कहाँ पे, मतलब आर्केल से कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा कि नहीं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा सा थिक होता है बहुत ज्यादा, पूरे बॉडी पार्ट में क्या करेगा, उसे पंप कर देगा कि नहीं, बॉडी पार्ट पंप कर देगा ना पूरे बॉडी पार्ट में हाँ जी, ये। और ये कौन सा लेके जाएगा बताइए, ये ये ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड है। और कौन लेके जाता है, अरोटा बोलते हैं जो ठीक होता है, अरोटा नहीं, अरोटा। और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर लिया जाएगा किसके द्वारा, राइट आर्कल के द्वारा, वेना केवा कह सकते हैं, यहाँ पे वेना केवा के थ्रू, जो लार्ज वाला होगा उसे वेना केवा बोलेंगे ना। अब ये देखिए यहाँ तक आ गए हम लोग, अब वही पोर्शन, फिर ये राइट आर्कल से फिर क्या हो जाएगा, कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट कैसे राइट वेंट्रिकल फिर? में, राइट आर्कल से राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर ये पूरा सर्कुलेशन चलता है, इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर लाइन ड्रा करें एक, तो ऊपर वाला सर्कुलेशन क्या कहलाएगा बताइए, ऊपर वाले सर्कुलेशन का क्या नाम है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। दो टाइप का सर्कुलेशन होता है अपने में, एक सर्कुलेशन जो पूरे शरीर में लेके जाएगा वो सिस्टमेटिक रहेगा, पल्मोनरी जो छोटा सा पार्ट में रहेगा। यानी कि इसी को हम लोग, यानी कि ह्यूमन हार्ट का अगर देखा जाए दो तरह से सर्कुलेशन है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन होता है, कंप्लीट जो मैंने फिगर बनाया वही है डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन, ठीक। पहला जो मैंने लिखा है पल्मोनरी, यह हम लोग इसे लेसर सर्कुलेशन भी बोलते हैं क्योंकि छोटे पार्ट में होता है, ठीक है, नाम देते हैं। तो इसमें क्या होगा मेनली, कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है बता सकते हैं बताइए, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट का कौन कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वन आर्टरी। लाइफ आर्टरी नहीं होता है, आर्क्योल होता है, ठीक ठीक है। है। आर्टरी तो आपका पूरा वायर हो गया सिस्टमिक वही हो गया तुरंत। सिस्टमिक। और यहाँ सिस्टमेटिक वाले का क्या नाम हो जाएगा, सिस्टमेटिक में कौन कौन सा रहेगा सर्कुलेशन। अरे भाई बचा हुआ तो वही है, आप लोग यह ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या कह सकते हैं ग्रेटर सर्कुलेशन, ये तो याद ही रहना चाहिए यार आप लोगों, याद भी होगा बता नहीं रहे। इसमें
फ्रॉम द बॉडी मतलब टू आर फ्रॉम द बॉडी कह सकते हैं, नहीं टू आर ने लिखे एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट, ठीक है तो कौन सा पार्ट इसमें यूज होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट आर्कल, देख लीजिए वही तो मैंने बनाया है फिगर में, आप बना सकते हैं ठीक। चलिए अगर देखा जाए इसमें कंडीशन कौन कौन सा होगा बता सकते हैं, या कंडक्शन लिख सकते हैं, कंडक्शन सिस्टम पूरा, हार्ट ह्यूमन पूरा कंडक्शन सिस्टम कौन कौन सा है, स्पेशलाइज होगा नहीं, वैसे आप लोग एकदम बोल ही नहीं रहे हैं भाई तो हमें पढ़ा नहीं रहे हैं, आप लोग बोल ही नहीं रहे भाई थोड़ा भी, थोड़ा तो बोलना चाहिए, सर सो रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, कैंसिल कर दिए सर उसको। हाँ ये हम दिखा दे रहे हैं आप लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये आगे का काम है ठीक है। ये देखे हाँ हार्ट में एक कैपिलरी, ये दो तरह का सर्कुलेशन है ठीक है, जैसे डबल डबल सर्कुलेशन लिखा ना वही चीज, ठीक है यहाँ पे ए राइट आर्किल है, ए राइट वेंट्रिकल, ये ले जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स में पहुंचा गया लंग्स कैपिली, फिर वीनस से आ जाएगा पल्मोनरी लेफ्ट वेन से कहाँ पे, लेफ्ट आर्किल में, आर्टरी लेफ्ट आर्टरी आर्किल पंप कर देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अच्छा ये लेफ्ट मतलब जैसे आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल का ही मेन काम है कलेक्शन का, लेकिन पंपिंग का क्या काम है, किसका, वेंट्रिकल का काम रहता है बस, राइट आर्किल कलेक्शन का और कलेक्शन लेफ्ट करके आर्टिकल वेंट्रिकल में दोनों का होगा। काम क्या है, कलेक्शन का काम है ठीक है। राइट आर्किल पूरे बॉडी का ब्लड कलेक्ट करेगा और लेफ्ट आर्किल कौन कलेक्ट करेगा, पल्मोनरी मतलब कि हाँ लंग्स वाला ऑक्सीजनेटेड वाला, और फिर वो क्योंकि उतना कैपेबल नहीं है पंप करने के लिए पूरा शरीर में, तो वो भेज देता है किसके पास, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, क्योंकि उसका थिकर वाल्व है तो पंप कर देगा ठीक है, तो पूरा शरीर में, तो एरोटा ये देख सकते हैं यहाँ पे, यही हम इसलिए आप लोग बोल नहीं रहे। तो कंडक्शन सिस्टम अगर हार्ट में देखा जाए ह्यूमन हार्ट, तो क्या क्या चाहिए बता सकते हैं, कंडक्शन कैसे हो रहा है, ये कैसे पंपिंग हो रहा है, और पूरे लाइफ ये चलता रहता है बिना रेस्ट किए, बताइए। तो सर इसमें देखा है पूरे लाइफ हार्ट तो बेचारा वर्क कर रहा है ना, क्यों क्यों पार्ट कर रहा ओवर है, वर्क नहीं करे क्योंकि फिर वो होता है पेस वो मेकर, वो हमेशा भेजता रहता है, ब्लड तो स्टिमुलेट तो फ्लो करेगा, करता है ना। स्पेशलाइज देखिए द कार्डिक मसल होता है जो हम लोग पढ़े थे, कार्डियक मसल होता है ठीक है, मसल ब्रांच होगा बहुत सारे, न्यूक्लियस होंगे, माइटोकांड्रिया होगा, एंड प्रेजेंट देखिए नोड्स होगा, नोड टिश्यू जो आप बोल रहे हैं, नोडल टिश्यू होंगे बीच बीच में उसको स्टिमुलेट करने के लिए, और ये नोडल टिश्यू कितने होंगे, फोर नोडल टिश्यू होते हैं ना, दीज आर फोर नोडल टिश्यू, कौन कौन से फोर हैं, तो जैसे आपने पहले बताया कौन सा, एस ए नोड ठीक है, जिसको पेस मेकर बोल रहे हैं ठीक है, तो एस ए नोड बोलते हैं, एस ए नोड ठीक, और इसका नाम क्या है पूरा,
साइनो आर्ट्रियल, साइनो आर्टियल। आर्ट्रियल नोड बोल लेते हैं, साइनो आर्ट्रियल नोड बोला जाता है। और एक बेसिकली इम्पल्स जनरेशन यहीं से होगा, जो धड़कने वाला स्टार्टिंग यहीं से होगा, यानी कि इम्पल्स जनरेट जनरेशन, ठीक है, बाय ऐसे नोड। SAN भी लिखा हुआ है बुक में, आपका SAN भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। दूसरा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ आर्थ्रोमाइसिटी जितना होता है, कितना होता है बता सकते हैं, कितने तेजी से ये करा सकता है, ये पढ़ चुके हैं हाईएस्ट डिग्री। 100 की स्पीड तो कराएगा ही कराएगा। अरे बाप रे, इतना तेजी से! अरे भाई, आपका हाँ हार्ट कितना, सेवन मतलब 70 to 80, से मतलब 70 अच्छा, हाँ माना जाता 72 है सेवन, पर हाँ मिनट, यही 72 होता है ना। हाँ। अरे यार वो तो मैं तो बढ़ भी तो बता जाता है, 120 से 130 भी चले आता है, अगर हाँ बहुत है, वही तो, बहुत घूमने फाने तो। ज्यादा फ्लो में हो गए तो फिर जाएगा ना, कि बहुत हार्ट तेजी से भाग रहा है, जब बीमार उमार होते तो कहीं कहीं हो जाता है ना, हार्ट बहुत भागने लगता अरे भाई, है। नॉर्मल पूछ रहे हैं, अब नॉर्मल नहीं पूछ रहे हैं। साइनस वीनस, और SA नोड क्या होगा, नीचे प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, बंडल के पास, पुरकिंजी बंडल के नीचे पास। नहीं रहते हैं, वहां नहीं रहता है, राइट वाला फार्किल, वो AB नोड आप बता रहे हैं, अच्छा ठीक है, राइट ऑर्किल, ठीक है। और अगर इस टू मुलस देखा जाए, इज अंडर एट 1 मीटर पर सेकंड का होता है, 1 मीटर एक सेकंड में चलने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। और वही जो आप बोल रहे हैं पेस मेकर कर सकते हैं, SA नोड को। अब उसके बाद SA नोड से निकलेगा, ठीक है, वाल पे, तो AB नोड जाएगा। अभी हम फिगर बना दे रहे हैं, दिखा भी देंगे, ठीक है। जैसे अगर फिगर देखा जाए ऊपर वाले में, तो यहाँ से राइट वाले, यहाँ पुतना नहीं बना है, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अभी ये वाला फिगर हम दिखा रहे हैं, ठीक है, बना भी देंगे तो याद रहेगा आपको, लाइन से याद रखना है इसको। अब उसके बाद AB नोड आएगा, जैसे नोड के बाद कंडक्शन किधर जाएगा, AB नोड, AB नोड, इसको कह सकते हैं ABN भी बोलते हैं, या मतलब AB बंडल भी बोलते हैं, AB बंडल, क्योंकि ये बंडल के रूप में होता है, एकदम नोड नहीं होता है, तो ऑल्सो नोन एज क्या कह सकते हैं, बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। नहीं, बंडल ऑफ हिस आगे जाएगा, सॉरी, बिग दिमाग कहाँ चला गया, AB नोड, ABN, ठीक है, फोर पार्ट होगा ना AB नोड। तो अगर देखा जाए, इन 0.3 सेकंड इम्पल्स रीच कहाँ पे चला जाता है, AB नोड पे। और इसको कॉमनली पेस सेटर बोलते हैं, सुने होंगे आप, पेस मेकर हो गया, पेस सेटर हो गया, इम्पल्स रीच AB नोड कहाँ से, फ्रॉम SA नोड से, SAN से, ठीक है। और इसका 1.5 to 4 मीटर, देखिए स्पीड बढ़ जा रहा है, ठीक है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वाल की थिकनेस बढ़ती रहती है, ठीक। तो बिटवीन देखा जाए, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये
बिटवीन आर्किल्स एंड वेंट्रिकल्स, किल्स इज एनुअल पैड के रूप में पाया जाता है, न्यूक्लियर पैड। या और ये वर्क करता है विच एक्ट एज एन इंसुलेटर, ठीक है। वी नीड एन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, मतलब एक तरह से जैसे आप देख सकते हैं जो आवाज जा रही है उसको एम्पलीट्यूड कौन करता है, मिडिल ईयर जो स्ट्रक्चर होता है, और ये भी क्या कर रहा है, एक तरह से बढ़ाने का काम कर रहा है। जो स्टिमुलस शुरू हुआ उसको क्या काम करने के लिए बढ़ा रहा स्पीड, ठीक। उसके बाद देखा जाए ए बी एन के बाद ए बी बंडल होता है, बंडल ऑफ हिस बोलते हैं उसे। आर्ट को वेंट्रिकुलर बंडल बोलते हैं, और आल्सो नोन एज कह सकते हैं बंडल ऑफ हिस, आप बंडल ऑफ हिस के रूप में जान रहे हैं, ठीक। और बंडल ऑफ हिस क्या कार्य करता है, इम्पल्स को आगे बढ़ा देता है, ठीक है। समझ रहे हैं नहीं, ये तो आप लोग जैसे एकदम नया नया पढ़ रहे हैं। बंडल इम्पल्स कहाँ पे जाएगा, ए बी नोड से ट्रांसमिट कर देगा बंडल ऑफ हिस आगे, ठीक। इम्पल्स, अब हम फिगर पहले बना दिया करेंगे, तब ए बी एन इज ट्रांसमिट मीटेड टू ए बी बंडल विच डिसेंड टू फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस जब मतलब पूरा फैल जाता है उसे क्या कहेंगे, पुरकेंजे फाइबर बोलते हैं। फोर्थ क्या हो जाएगा, पुरकेंजे फाइबर ये फाइबर। अब हम लिख नहीं रहे, फिगर ही बना रहे, आप लोग बोल नहीं रहे। देखिए जैसे कि हम लोग रफ डायग्राम बना लें हार्ट का, तो ज्यादा नहीं हो गया, अब इसमें देखा जाए तो वाल होगा, अब जो एस ए नोड है कहाँ पाया जाएगा बता सकते हैं, बताइए। हेलो, पीएसओ नोड तो सर उसमें एस ए नोड देखिए मैंने लिखा है राइट आर्किल के पास पाया जाता है, तो कह सकते हैं एस ए नोड यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। ए एस ए एन हो, ठीक, एस ए नोड है। अब ये इम्पल्स ऐसे भेजेगा, ठीक
ठीक है, नीचे एक कंडक्शन रहता है, तो यहाँ पे आपको पाया जाएगा कौन, ए बी नोड, ये नोट वाला पोर्ट, ए बी एन पाया जाएगा। और ये अब इधर पूरा फैल जाएगा, कह सकते हैं ये बंडल ऑफ हिस है, यानी कि ए बी बंडल कहते हैं। अब ये बंडल ऑफ हिस क्या होगा, ये फैल जाएगा ये ऐसे वेंट्रिकल में, और ये पूरा जो हम बना रहे हैं पुरकंजे फाइबर है दोनों तरफ ऐसे, पूरा ये जो इम्पल्स था वो बना देगा पुरकंजे फाइबर। ये वाला पोर्शन क्या है, बंडल ऑफ ए बी बंडल कह सकते हैं, और इसी को हम लोग बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, ऑफ हिस, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या है, पुरकंजे फाइबर है जी, फाइबर, ठीक। और ये लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ हिस कह सकते हैं, ये वाला जो मोटा वाला पार्ट है ना इसको, ये वाला, ठीक, लेफ्ट एंड राइट, दोनों तरफ मतलब यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। और इसको जान ही रहे हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं, पेसमेकर पेस मेकर आर्टिफिशियल भी लगाया जाता है, ठीक है, जिसका हार्ट मतलब स्टिमुलेट नहीं कर पाता उसके लिए। और ए बी नोड को क्या बोलते हैं, पेस सेटर बोलते हैं, पेस सेटर, ये है जो मैं ऊपर लिख रहा था, ठीक है, तो बस यही याद रखना है। और ह्यूमन हार्ट जान ही रहे मायोजेनिक होता है, मसल इम्पल्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। और बाकी इनवर्टिब्रेट में हार्ट क्या होता है, न्यूरोजेनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक मतलब, मायोजेनिक न्यूरोजेनिक में क्या डिफरेंट है, मायोजेनिक जैसे हम हार्ट को बाहर भी निकाल दें थोड़े टाइम के लिए, तब भी वो धड़कता मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। मिलेगा क्योंकि वो मायोजेनिक मसल पे कंट्रोल होता है, लेकिन उसको रेगुलेट थोड़ा न्यूरल सिस्टम करता है बस। और कुछ हार्ट होते हैं उसको पूरा ब्रेन ही कंट्रोल करता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक मतलब स्टिमुलेशन वगैरह सब जेनिक, ठीक। तो देखा जाए लोअर इनवर्टिब्रेट में, लोअर वर्टिब्रेट कह सकते हैं, लोअर वर्टिब्रेट न्यूरोजेनिक हो गया, मायोजेनिक मतलब कि इम्पल्स इज जनरेटेड बाय, इम्पल्स मसल के द्वारा जनरेटेड बाय, मसल, और न्यूरोजेनिक में मतलब इम्पल्स इज जनरेटेड बाय ये जनरेटेड बाय ब्रेन, ब्रेन को द्वारा होगा, ठीक है। ये अभी हम यहाँ पुरकंजे फाइबर लिख रहे थे, आप लोग समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने बना, ये बंडल ऑफ हिस कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन स्ट्रक्चर, तो उसी को क्या कहेंगे, पुरकंजे फाइबर कहेंगे, यानी कि बंडल ऑफ हिस कंसिस्ट, जैसे फिगर मैंने बनाया था वह कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन थिनर स्ट्रक्चर, तो उसे को हम लोग कहते हैं पुरकंजे फाइबर। और ये पूरा सेपरेट रहता ऑल वेंट्रिकुलर सेप्टम में, ठीक है, मतलब अगर देखा जाए कंडक्शन ऑल ओवर हार्ट के ही काम करता है, इम्पल्स गेट कंडक्ट कह सकते हैं, इट इज सेपरेट ऑल ओवर
वेंटिकुलर सेप्टम, ठीक है, और पूरा कंडक्शन करेगा ऑल ओवर। सर कंडक्ट तो सारे करते हैं ना, मतलब हाँ वो स्टिमुलेट करता है, ये मतलब पूरा कंडक्ट कर रहा है ना। अब यहाँ पे पूरा मतलब जो भी कंडक्शन रिलीज हुआ था यहाँ पे यूज होगा, खाने का मतलब ये है पुरकेंजे फाइबर। तो ठीक है। ये था आपका, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो कार्डिक साइकिल है, ठीक है। सर वो बाद में इसके पढ़ा बाद देना। हाँ, उसके बाद इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कार्डिक साइकिल फंक्शन और डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है बस। कल खत्म हो जाएगा। ठीक हाँ तो कार्डिक साइकिल कराएंगे इसके बाद, ठीक। इसमें थोड़ा भाई है आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। यस सर, कार्डिक साइकिल, पढ़ते हैं। हाँ कार्डिक साइकिल इम्पोर्टेंट है। और इसमें थोड़ा सा ग्राफ वगैरह एक आध आता है सिग्मॉइड, उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है, मतलब कि कैसे आगे जाएगा फंक्शन पूरा पढ़ेंगे, कैसे ऑक्सीजन को ट्रांसमिट करता है कि नहीं, कितना कितना पार्ट फंक्शन में पढ़ेंगे तो आगे कल कराएंगे, ठीक। भेज देना सर इसको थोड़ा सा, हाँ तो हाँ फिर थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू।